मिशन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। मिशन मंगलयान पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। एक समय था जब भारत को तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने अपने 10 सालों में भारत को दुनिया की शक्ति का बड़ा केंद्र बना दिया है। अंतरिक्ष से लेकर रक्षा क्षेत्र तक, स्वास्थ्य से लेकर बाजार से सामान खरीदने तक, डिजिटल भारत आज गांव-गांव की प्रगति का माध्यम बन रहा है। भारत में 121 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल और 79 करोड़ लोग स्मार्टफोन का उपयोग करने लगे हैं। भारत की 1,98,000 पंचायतों को ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा जा चुका है। डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधा गरीबों के खाते में पहुंच रहा है, जिससे 2,73,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भारत का यूपीआई डिजिटल इंडिया के निर्माण में मील का पत्थर साबित हुआ है। 2023 में रिकॉर्ड 100 अरब से अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, 182 लाख करोड़ का लेन देन हुआ और दुनिया का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के यूपीआई के माध्यम से हुआ। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के प्रयोग से भारत के रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है। आज भारत वैज्ञानिक रिसर्च प्रकाशन में विश्व के शीर्ष 5 देशों में से एक है। 2 दशकों में भारत में 90,000 से ज्यादा पेटेंट फाइल हुए हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में डॉट भारत डोमेन प्राप्त है। मोदी सरकार में आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, ई हॉस्पिटल और ई ऑफिस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आम भारतीय के जीवन को आसान बनाया है। क्वांटम कंप्यूटर हो, सुपर कंप्यूटर हो या सेमीकंडक्टर, टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में भारत मजबूती के साथ अपने पांव जमा के खड़ा है। इसके साथ ही IIT मद्रास और SAMEER कोलकाता 5G से आगे बढ़ते हुए 6G टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मोदी सरकार के नेतृत्व में गांव से लेकर अंतरिक्ष तक टेक्नोलॉजी के अभूतपूर्व विकास ने असंभव को संभव करके दिखाया है और विकास की ये तेज रफ्तार बता रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है।